और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला थन भी फूटने वाला। तो गाइस अभी रेड किंग कहीं को गायब हो गया। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग चैनल। और गाइस वो लोग स्टार्ट होते ही रोकू देखो कैसे मस्ती करने लगा। रोकू क्या डांस कर रहा, अरे अरे मेरा लात मार रहा। अब भाई थोड़ी बहुत देर है, मैं इन सभी को खाना वाना खिलाऊंगा। और गाइस वहां से भी चिल्लान लग रहे। हाँ खोल रहा, रुक जा, सबर करो। दोनों को बंद कर दिया था वरना भाई कोको के पास जावे। और गाइस फिर कोको का सभी को पता, अगर अटैक वटैक कर दिया काम तमाम ही कर देगी इनका तो खत्म। जब भाई कोई सा डॉग गलती से कोको के कमरे के अंदर घुस जा तब तो भाई पूरी टूट कपड़े अपने पप्पीज की वजह से। चाहे भाई रोक क्यों ना हो, इसके ऊपर भी अग्रेशन करे। अरे अरे रोक रोक सी का टक्कर मार के मेज के नीचे छुप गया। तो गाइस अभी अचानक से हमारे डॉन साहब की एंट्री होगी। चिंटू डॉन आ गया, सारे के सारे देखो कैसे सूंघ रहे हैं। आज भाई काफी दिनों के बाद आया ना। चिंटू डॉन कुछ कहना चाहोगे? नहीं। कहाँ थे इतने दिन? यो तो भाई बस पैर पैर हिला रहा। सिम्बा पूछिए ऐसा कहाँ था इतने दिन? चिंटू की मैंने एक चीज नोटिस करी, यो हर दो या फिर तीन महीने के अंदर गायब हो जा पांच छह दिन को। फिर भाई छह सात दिन तक पूरे गाँव में घूमे। रेड किंग बाहर सब होके जा रहा। रेड किंग क्या हो गया? चिंटू जा लिया ना अंदर इसलिए गुस्से मारा। यहाँ से रेड किंग भोक रहा, वहां से वे दोनों भोक रहे। अरे चुप हो जाओ, ले खोल ही रहा ले। मैं तो सोच रहा था थोड़ी बहुत देर बाद खोल दूं। चलो चलो दोनों के दोनों चिंटू का चिपट गए। चिंटू को तो भाई चारों तरफ से घेर लिया। सिम्बा तो भाई अटैक करने की फिराक में है। ओए सिम्बा। और गाइस रेड किंग बिल्कुल पिंजरा फाड़ने को रहा है। रो कट गया सामने। रोकू नहीं तू ना एग्रेशन करे। ओए सिम्बा हटा नहीं। अरे अरे लो भाई वो तो पहले ही भाग गया। और गाइस रोकू देखो कैसा हट रहा। ओ भाई साहब इनका एग्रेशन ना हो जाए ज्यादा। रेड किंग चिंटू को ऊपर एग्रेशन कर रहा था ना, इसलिए भाई रोक अग्गा हो गया खड़ा। रोक और रेड किंग की दोस्ती के बीच में चिंटू आ जा, वरना भाई इन दोनों की दोस्ती हो तो जा। रोक को भाई फिर अपनी दोस्ती नहीं बानी पड़े। देखना भाई कैसा घूर रहा है। रोको खाओगा के पिंजरे में को, सारा ध्यान रेड किंग के ऊपर ही है। बट भाई चिंटू डॉन फिर से अंदर जाकर बैठ गया। वाह तो भाई फिर से भाग गया। और आ रहा हो सिम्बा के बच्चे खोपड़ी तो साले का। जब भाई ये सारे के सारे एक साथ हो जाना सारे मुंह तोड़ फोड़ मचा दे। चिंटू बेचारा दो बार भाग लिया नीचे। तो गाइस ये बैठी हमारी कोको रानी, बट भाई रोक्सी मेरे साथ नीचे ही आ गई। रोक्सी कमरे के अंदर ना आइए, यहाँ के भाई गेट ही बंद करता हूँ। गुड बाय। चलो भाई चलो उठ जाओ, सुबह होगी। ओए खड़े हो जाओ, चलो 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 चलो। हो गए भाई सारे के सारे बेचैन। तो गाइस अभी एक एक करके सभी को लगा दिया, बट भाई एक दिक्कत होगी, जो उसका नीचे वाला थन है ना ये वाला भी देखो भाई कैसा हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भाई दवाई वगैरह लगाता हूँ, देखना भाई कितना ज्यादा बुरा हाल हो रहा। थोड़ी सी मजबूरी होगी, कोको का भाई ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते डॉक्टर पे, वरना भाई इसके नीचे का सारा दूध सूख जाएगा। जो भाई पिछले थनों में दूध है सारा का सारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दवाई वगैरह लगा के ठीक करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पहले किसी गांठ टाइप से की बन रही, थोड़ी देर बाद सिकाई करूंगा इसकी। कोको की ये वाली कंडीशन देख कर सारा मूड सा खराब हो गया बेचारी। एक तो वैसे ही इतनी छोटी हो गया, इतनी जल्दी से पप्पीज दे दिए, फिर भाई के साथ दिक्कत पर दिक्कत आ रही। कुछ भाई सबसे बड़ी मजबूरी होगी ना, तो डॉक्टर के पास ले जा सकते ना भाई, दवाई वगैरह खिला सकते। और एक देखो कितने ध्यान से देख रहा, बट भाई अंदर आने की हिम्मत नहीं है इसकी। जा लिया भाई ऊपर भाग गया। जाकर भाई रोक्सी के पास बैठ गया। कोको के दोनों दुश्मन एक जगह पे बैठ गए। और गाइस कल छोटे पैकेट के साथ बहुत कड़ा सीन हो गया था, बेचारा गलती से कमरे के अंदर जा लिया। कोको ना भाई जो इसके ऊपर अटैक करा वो तो भाई मैंने भाग के सब पकड़ लिया, वरना भाई को आम तमाम ही कर देती खत्म। एक बार को तो मेरा ये मन करा इससे अच्छा तो मैं ऐसा किसी को दे ही दूं, वरना भाई अगर गलती से चूक हो जाती ना खत्म ही कर देती। बट भाई अगर देना भी पड़ा अपने किसी और दोस्त को दे दूंगा, जो भाई हर दूसरे तीसरे दिन देखता रहूं इसे मैं। रोक्सी और सिम्बा आजकल पूरे दिन एक साथ ही रहे। और गाइस आज हमारी जूली चली जाएगी। एक बार भाई अंदर से जूली को लेकर आता हूँ, पहले रोक्सी को अंदर करना पड़ेगा। रोक्सी जाते जाते के पिछवाड़े बबुड़ का भर लगी। चल ठीक है जूली, बाय 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 बाय। कोको की वजह से हमेशा बांध कर रखनी पड़ती, बेचारी परेशान रहती। कोको को यहीं पे लिटा लिया, एक बार गरम करूं फिर भाई आराम से इसकी सिकाई कर दूं। कोको की सिकाई वगैरह करके सारे के सारे पप्पीज को थनों पर लगा दिया। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा ये वाला थन भी फूटने वाला, मतलब इसके अंदर जो भी मैल वगैरह भर रहा वो सारा का सारा निकल लगा। ऐसे भाई सेम टू सेम इस वाले थन के साथ हुआ था। जो मैं कल कह रहा था ना कि पमेलियन की फीमेल है एक, उसने दो या फिर तीन दिन पहले पप्पीज दिए, उसे भाई मैं जानबूझ के नहीं लेकर आया। अभी भाई और दो दिन लेकर नहीं आता, जिससे कि जी मुझे पता चल जाए उसके थनों में इन्फेक्शन तो नहीं। अगर भाई उसके थनों में इन्फेक्शन हुआ इनके ऊपर खतरा आ जाएगा, समझ रहे हो? दो दिन बाद पता चल जाएगा उसका। अगर उसके सारे के सारे पप्पीज ठीक रहे फिर तो भाई इन्फेक्शन नहीं है, अगर कोई से की डेथ होगी फिर भाई थोड़ा खतरा है। तो गाइस शाम होगी और गाइस आज अपने साथ रोक को लेकर जाना पड़ेगा, वरना भाई नौटंकी कर देगा ज्यादा। देखना भाई अभी कैसा कर रहा, नु कह रहा लेकर चल। हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, रहा नहीं जाता। अब भाई पहले थोड़ी देर रोक को घुमा कर लाता हूँ, फिर भाई रेड किंग को लेकर चलेंगे। तो गाइस अभी रोक के साथ एक छोटा सा प्रैंक करते हैं हम, भाई सारे के सारे बाहर चलेंगे, रोक को यहीं पे छोड़ देंगे। रोक को चल ठीक है आज भी नहीं लेकर चलते। चीटिंग चीटिंग। चल ठीक है बाय बाय, कल को चलेंगे। परेशान हो गया, हालिया भाई हालिया। ये देखो भाई कितनी स्पीड से गया। रोक भाई आज काफी दिनों के बाद खेत में आया, पूरा खुश हो रहा। वैसे तो भाई मुझे मना ही कर रखी थी अभी डॉक्टर ने कुछ दिन घुमाना फिराना नहीं, बट भाई रोक ज्यादा परेशान हो रहा था। रोज भाई हम इसके सामने रेड किंग को लेकर चले जाते, रोक बेचारा देखता रह जाता। बस भाई कहीं को पानी वानी मना घुस जा। ओए रोक के बच्चे कहां घुस गया? रोकू आजा घर चलेंगे, बहुत देर घूम फिर लिया, अब भाई से घर पर लेकर चलते हैं, ज्यादा देर नहीं घुमाया। रोक को वैसे ही घुमा लिया पांच मिनट, मिट्टी गोली सी दे दी, खुश हो गया। बस भाई एक बार हमारा रोक बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जा, फिर भाई पहले की तरह लाया करेंगे। सामने देखो चिंटू का दुश्मन खड़ा, देखना भाई कैसे देख रहा। रोक ना भाग जा उसके पीछे। अब भाई रोक को जल्दी से बाइक पे बैठाते हैं, वरना भाई चिंटू
लड़ाई करवा देगा। देखना भाई कैसा कर रहा, नु कह रहा टायर को आगे ना चला जाइए, रोको घर ने जाना के नहीं इसका, नहीं भाई घर जाने का मन कर रहा, नु कह रहा और घुमाओ, कल को आऊंगे, कल को नहीं परसों को आऊंगे, रुक जा। तो गाइस अब रेड किंग को लेकर चलते हैं, और गाइस रेड किंग का पट्टा देखो आज भाई इसका पट्टा चेंज कर दिया। थोड़ी दूर तक हमारे पीछे पीछे चिंटू डोन आ रहा था, बट भाई अब तो जा लिया शायद। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे चिंटू के साथ दुश्मनी क्यों है इसकी, चिंटू ना भाई पीट दिया था जब यो मेरे पास आया था, तब भाई थोड़ा कमजोर सा था, चिंटू ने लपेट दिया। क्या बोला तूने? अब भाई रेड किंग जैसे ही ताकतवर हुआ बदला लेने की फिराक में, एक बार हाथ में आ जाए तो गाइस अभी रेड किंग की रनिंग करवाते करवाते बट्टे पे आ गए। अब भाई थोड़ी बहुत देर यहाँ पे एक्सरसाइज करवाऊंगे इसकी, शिवम यहाँ पे लकड़ी तोड़ रहा रेड किंग की एक्सरसाइज के नाम की। रेड किंग यहाँ को आजा, झाड़ियों के अंदर घुस गया, यहाँ पे भाई थोड़ा सा सांप वगैरह का खतरा रहे, रेड किंग ले आजा, आजा जल्दी आ जल्दी आ। और गाइस अगर ऐसी जगह पर रात के टाइम आ गए ऐसा लगेगा जैसा हॉन्टेड पैलेस हो, यो भाई हमारे यहाँ का सस्ता हॉन्टेड पैलेस है। ओए कहाँ जा लिया? वो जा लिया भाई भूत को देखण, रेड किंग है वो भाग गया। इसे भाई कोई गिद्दड़ वगैरह ना मिल जा, क्योंकि भाई जो ये सामने जगह ऐसी दिख रही ना इनके अंदर गिद्दड़ बच्चे दे दे। अच्छा तो गाइस अभी रेड किंग कहीं को गायब हो गया, इसी साइड को गया था बट भाई पता नहीं कहाँ जा लिया रेड किंग। एक तो भाई इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी होगी, ओए देखो रहा रेड किंग यहाँ को आ जा जल्दी जल्दी आ जल्दी। आ लिया भाई आ लिया, चीर तो हुआ सारी की सारी पत्ती, आके भाई लकड़ी के पास हो गया खड़ा, देख रहा होगी मेरी लकड़ी तैयार। और गाइस लकड़ी के आगे पन्नी सी बांध ली, पन्नी के आगे पीछे भागे जागा, एकदम से संभला नहीं जाता जब पीछे से प्रेशर बना का वे आगे तक जावे रपटता रपटता, देखना भाई कितनी दूर तक जा। और गाइस अभी जंप नहीं लगवा रहे, थोड़ा नीचे नीचे कोई भगा रहे इसे, वरना भाई पैरों में दर्द हो जा। थोड़ी देर भागा थोड़ी सी करके इसका शरीर गर्म हो जाएगा, फिर भाई खूब जंप लगवाओगे। जैसा भाई जिम में वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना पड़े, ये मान लो सेम टू सेम वही कंडीशन है, तू समझा। रेड किंग की ट्रेनिंग करवा करवा के हम तो भाई ट्रेनर बन गए। वैसे तो भाई मैंने रोक की भी ट्रेनिंग करवाई थी एक बार, बट भाई जब भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हम भाई वैसे ही करवाने लगे थे, ना शरीर गर्मावे थे ना कुछ करे थे। जैसा भाई हम रोक की ट्रेनिंग करवावे थे, रोक के शरीर पर थोड़ा जल्दी लगे, रेड किंग के थोड़ा स्लोली स्लोली लगे, लगा तो भाई रेड किंग का भी बट भाई बहुत धीरे धीरे। रोक तो भाई पूरा मस्कुलर बन गया था, और गाइस स्टैमिना भी बहुत तगड़ा हो गया था, मैं भाई फिर उसका रनिंग कॉम्पिटिशन करवाया करूँ था अदर ब्रीड के साथ। इसीलिए भाई रोक परेशान हो जा, जब भाई मैं घर घर में रखूँ कहीं बाहर नहीं लेकर चलता। अभी तो भाई थोड़ी सी मजबूरी हो रही, डॉक्टर ने मना कर रखा, बट उस आदत है ना बाहर घूमने की, ऐसे ही भाई सेम टू सेम रेड किंग है। पीछे भाई शिवम रेड किंग की भाग दौड़ी करवा रहा, मैं भाई एक टायर ढूंढता हूँ, मैंने भाई टायर फेंका था यहाँ पे बहुत दिन हो गए। वैसे भाई फेंका तो यही कोई था, बट भाई सारे में कुछ झाड़ी झाड़ी होगी, कभी भाई टायर की जगह पे मेरे हाथ में सांप आवे निकल गए। क्या बोला तूने? ऐसी जगह पे पैर रखते हुए डर लगे, कहाँ गया, यहाँ नहीं है भाई कोई टायर वायर, पता नहीं कहाँ जा लिया। तो गाइस अभी टायर तो मिला नहीं, ऐसे ही भागा दौड़ी करवानी पड़ेगी। काफी कमेंट आ रहे थे रेड किंग का कैनल कब बनकर रेडी होगा, भाई मुझे खुद नहीं पता कब कंप्लीट होगा, क्योंकि भाई जो हमारे मिस्त्री थे ना वे भाई लुल्लू बना गए, पहले तो कह रहे थे 10 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन से 20 दिन हुए, 20 दिन से 1 महीना हो गया, अब भाई कुछ आता पता ही नहीं है, 1 दिन आवे 10 दिन की छुट्टी मारे, कोई और मिस्त्री लगाने पड़ेंगे जब भी बनागा इनका सेटअप। वैसे तो भाई 3 या फिर 4 दिन का ही काम रह रहा, एक बार भाई सभी डॉग्स का सेटअप बन जा फिर भाई सभी के रहने का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई रेड किंग भी परेशान हुआ है। और गाइस रेड किंग की हमने बैंड बजा दी, भागा दौड़ी करवा करवा के अब भाई थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करवाने के बाद थोड़ा बहुत घुमाना जरूरी है। तो गाइस अभी सामने से 2 डॉग लग रहे भागते भागते, और गाइस हमारी तरफ कोई आ रहे, पता नहीं भाई अच्छे से दिख रहे होंगे या फिर नहीं, रात होगी ना, अरे मौत प्यारी है गे, भोगते भोगते आ रहे यार। वैसे तो भाई दोनों की कमी है। तो गाइस आगे घर पे, और गाइस कोको की हालत ज्यादा खराब हो रही, देखना भाई बिल्कुल रेड रेड हो गया थन, इसे तो भाई डॉक्टर का दिखाना ही पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था भाई ठीक हो जाए ऐसे ही। पप्पी से बेचारे ज्यादा ही भूखे हो रहे, रोक भी आ गया, रोक देख रहा है ना सारों को। वैसे तो भाई मैंने पकड़ पकड़ का दूध पिलवाता रहूं, बट भाई फिर भी पहले के जितना दूध नहीं मिल पा रहा ना। तो गाइस अभी जिसका डर था वही हो गया, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डॉक्टर के पास चलता हूं, क्योंकि भाई कोको की कंडीशन ज्यादा खराब हो रही, और गाइस कोको को साथ नहीं लेकर चल रहे, क्योंकि भाई सारे धड़ में से पसी पसी निकल रही थी उसकी, भाई मैंने वीडियो वगैरह बना ली, और गाइस टेम्परेचर चेक कर दिया, भाई दवाई लिखवा लूंगा। तो गाइस आ गया घर पर दवाई वगैरह लेके, और गाइस बिल्कुल रात ही होगी। अब भाई एक बार कोको की कंडीशन देखता हूँ, कोको का भाई पट्टी वगैरह बांध रखी अभी देखी मैंने, तो कोको का तो भाई ट्रीटमेंट कर दिया, बस भाई सब लोग दुआ करना हमारी कोको बेचारी ठीक हो जा, कोको भी और इसके पप्पीज भी। कोको को भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बांध दिया था, वरना इनके पास जाकर बैठे थी। इस सभी को एक एक या फिर दो दो करके दूध पिला दूंगा, जिससे कि जी कोको को भी दिक्कत ना हो और इनका भी पेट सा भर जा। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ, सब लोग भाई दुआ करना हमारी कोको बेचारी ठीक हो जा।